hard to breathe, but that's alright. Hush. दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने पार्ट 7 की जोरदार फरमाइश की और आपका हुक्म तो सर आंखों पर, जिसकी वजह से आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पैरट्स यानी तोतों की ऐसी ऐसी खूबसूरत और अनोखी प्रजातियां लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपको भी इन्हें अपने पास रखने का मन करेगा, क्योंकि बेहद खास और प्यारे हैं। और आज की इस कलरफुल और प्यारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और एक भी तोते को मिस मत करना। दोस्तों, अगर आपने कबूतर वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। कोक्याटूस पैरट। कोक्यूट का मतलब है हर वो पैरट जिसके सर पर बड़ा सा मूवेबल पंखों वाला क्राउन हो। ये पक्षी ज्यादातर आपको सफेद और काले रंग में देखने को मिलते हैं। ये दोनों भी रंगों में काफी जचकर नजर आते हैं। कोक्यूट पैरट ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। इन्हें अगर इनके साइज से बाकी पैरट से कंपेयर किया जाए तो ये उनके मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। और इनके प्रजाति की बात करें तो इनमें 29 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सभी पैरट खूबसूरती से भरे होते हैं। इतना ही नहीं, काफी मशहूर भी है, जिसकी वजह से काफी लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें बाहर कहीं देखें तो ये हमेशा अपना ग्रुप लेकर ही घूमते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इनके झुंड में 32,000 से ज्यादा कोक्याटूस पाए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। और आखिर में इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो 50 से 60 साल के आसपास जी सकते हैं। अगर आपको कोक्याटू पैरट पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। Say hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi. हॉक हेडेड पैरट। अभी जो आप पैरट देखने वाले हैं, ये हॉक हेडेड पैरट के अलावा द रेड फैन पैरट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ज्यादातर अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में देखा गया, लेकिन फिर भी ये अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा लोगों द्वारा पाले जाते हैं, जैसे कि ब्राजील, कोलंबिया वगैरह। अब हम इनकी खासियत की बात करते हैं, जो कि इनके नेक से हमें देखने को मिलती है। इनके गर्दन पर खास तरह के पंख होते हैं जिन्हें वो कभी कभार ही बाहर निकालते हैं, जो कि लाल और नीले होते हैं। इन्हें खोलने के बाद ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इतना ही नहीं, उन पंखों की मदद से बाकियों से ज्यादा बड़े भी नजर आते हैं। इनकी हरकतें भी बड़ी फनी होती हैं। इनके स्वभाव और इनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग इन्हें अपने घर में अपने साथ रखते हैं। क्या आप भी इस अनोखे पैरट को अपने साथ रखना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पैराकीट्स। इन बर्ड्स को देखते ही किसी को भी इनसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये हैं ही इतने खूबसूरत और प्यारे। ये एक स्मॉल साइज के बर्ड है जिन्हें बज्जी के नाम से जाना जाता है। और काफी लोगों का ये भी मानना है कि इनके प्रजाति की बर्ड जो होती है उन्हें हम बिगिनर्स बर्ड के तौर पर भी पाल सकते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड है उनका स्वभाव ज्यादा चंचल भी नहीं होता और ये काफी ज्यादा शांत भी नहीं होते। और इतना ही नहीं, ये दिन भर कुछ ना कुछ नई नई चीजें करना ट्राई करते रहते हैं। इनकी साइज भी छोटी होने के कारण आपको इनके लिए ज्यादा जगह का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। और यही कारण है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार किसी बर्ड को पालने के बारे में सोचते हैं, तो उनके सामने यही एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 8 चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में पार्ट 8 लिखकर जरूर बताना। और यार, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। कॉकटेल्स पैरट। ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ये कोक्याटू फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं। कोक्याट्स की प्रजाति में जितने भी बर्ड हैं उनमें सबसे छोटे बर्ड माने जाते हैं। ये हमें बेहद अलग अलग रंगों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि येलो, व्हाइट, ग्रे वगैरह। इनके सिर पर आप जो पंख देख रहे हैं वो इन्हें और भी खूबसूरत दिखाने का काम करता है, जो बाकी कोक्याटू पैरट से थोड़े कम होते हैं। इनकी खास बात हमें देखने को मिलती है कि इनकी आंखों के नीचे ऑरेंज कलर का दोनों तरफ एक डॉट होता है, जिसकी वजह से बड़े क्यूट लगते हैं। इनके दिखने के साथ साथ इनकी हरकतें भी बड़ी क्यूट होती है, जिससे आपको जरूर प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी इस क्यूट क्यूट पैरट को पालना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखकर बताइए ना। मकाउस पैरट। अभी आप जो पैरट देखने जा रहे हैं वो रंगों से भरा हुआ है।
इनमें आपको जितने भी चाहिए उतने रंग देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इन्हें मोस्ट जायंट पैरेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी तोतों की प्रजाति है। ये खूबसूरत पक्षी साउथ अमेरिका के जंगलों में ज्यादातर पाए जाते हैं। इनकी जो चोंच होती है वो औरों के मुकाबले ज्यादा कर्वी और बड़ी होती है। ये पक्षी 40 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। इन्हें इंसानों के साथ रहना और दोस्ती करना भी पसंद होता है, इसलिए पक्षी पैरेट की दुनिया का सबसे ज्यादा पाले जाने वाला पैरेट है। इनकी दुनिया भर में 18 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन ये वाले पैरेट ज्यादा मशहूर है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस कलरफुल पैरेट को पालना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए ना। अफ्रीकन ग्रेस। हमारी धरती पर पैरेट की सबसे पुरानी प्रजाति अगर कोई है तो वो यही है, जो कि अपनी बेहद ही अलग अलग खास बातों के लिए जानी जाती है। ये बर्ड पूरी तरह से ग्रे होते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी पूंछ को छोड़कर, जो कि गहरे लाल रंग की होती है। इतना ही नहीं, ये बर्ड दुनिया के सबसे खूबसूरत बर्ड की लिस्ट में भी शामिल है। अगर आप इनके वजन को देखें तो ये 400 ग्राम तक बढ़ सकते हैं। इनकी खास बातें अगर हम देखें तो ये कोई भी काम करना, या फिर अगर हम इन्हें किसी भी चीज की ट्रेनिंग देना चाहें तो ये बाकियों से काफी जल्दी सीखने की क्षमता रखते हैं। इस वजह से इस बर्ड को दुनिया में सबसे बुद्धिमान बर्ड के नाम से जाना जाता है। आखिर में इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 40 से 60 सालों तक जीवित रह सकते हैं। इस तोते की इंटेलिजेंस के लिए एक लाइक तो बनता है। एक्लेक्टस पैरट। शुरुआत में आप जिस पैरट को देख रहे हैं वो असल में काफी जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि सोलोमन आइलैंड, सुम्बा या फिर न्यू गिनी। इस खास पैरेट को अपने रंग और छोटी पूंछ की वजह से जाना जाता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही एक से बढ़कर एक देखने को मिलते हैं। मेल पैरेट ग्रीन कलर के होते हैं, जिनकी चोंच येलो या ऑरेंज होती है, और पंखों में कुछ नीला नीला और काला ऑरेंज का हमें रंग देखने को मिलता है, जिसके कारण उसके पंख और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। वहीं फीमेल की बात की जाए तो वो भी मेल से कुछ कम नहीं लगती, जिनका सर और पंख ब्राइट लाल कलर के होते हैं और शरीर नीले रंग का होता है, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगता है। तो इन क्यूट क्यूट हरे लाल नीले तोतों को कौन कौन पालना चाहेगा? कौन युवा? ये स्मॉल से मीडियम साइज का बर्ड असल में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसी से आप इनके खास होने का अंदाजा लगा सकते हैं। ये ज्यादातर पीले रंग के होते हैं। ये पक्षी 10 से 20 इंच तक बढ़ सकते हैं, और अगर ये आपको कहीं बाहर दिख जाए तो ये अकेले कभी नहीं होते, हमेशा अपने झुंड के साथ ही रहते हैं, जिसमें 20 या फिर उससे ज्यादा की संख्या हमें देखने को मिल सकती है। ये अपने खास स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो कि इंसानों से काफी अच्छा होता है, और इन्हें बहुत जल्दी इंसानों से लगाव भी हो जाता है, इसलिए पालने के लिए बेहतरीन पेट भी साबित होते हैं। ये ज्यादा बड़े न होने के कारण इन्हें पालने के लिए इनके ऑनर को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इस क्यूट से छोटे से तोते के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। लॉरिकीट्स। हमारे अगले पैरेट की जो प्रजाति है वो बड़ी खास है, क्योंकि ये जो पैरेट है इन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत पैरेट माना जाता है, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग इन्हें रेनबो लॉरिकीट्स के नाम से जानते हैं, जिसका मेन कारण आपको इनका रंग देखते ही आसानी से पता चल जाएगा। ये पक्षी 12 इंच तक बढ़ सकते हैं, और इनके वजन की बात की जाए तो ये तकरीबन 150 ग्राम होता है। मेल और फीमेल की अगर बात की जाए तो इन दोनों में हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हालांकि बाकी पैरेट की प्रजाति में मेल और फीमेल एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, लेकिन इनके मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इन्हें भी अपने घर में पाल सकते हैं, जिनका स्वभाव काफी चंचल होता है, और शायद ही कोई पैरेट लवर होगा जो दुनिया के सबसे खूबसूरत पैरेट को पालने के बारे में ना सोचे। तो आपका क्या ख्याल है? ब्रॉन्ज्ड विंग पैरेट। ये छोटा सा बर्ड साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। ये पैरेट अपने अनोखे लुक और अपने पंखों की वजह से जाने जाते हैं। इनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा गहरे रंग का ही होता है, जैसे कि ब्राउन, ब्लू वगैरह। इनका वजन 200 ग्राम तक बढ़ सकता है, और इनकी लेंथ 11 इंच तक बढ़ सकती है। इन्हें अगर जंगलों में आप देख सकते हैं तो ये बर्ड अकेले में रहना पसंद करती है। स्वभाव की बात करें तो नॉर्मल ही होता है, जिसे आप पालने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा पैरेट सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट में जरूर बताना। और यार, ये वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं हम, इसे एक लाइक तो कर दिया करो और शेयर भी कर देना।